देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 लोगों की हुई मौत, 14 हुए घायल जिनमें 3 की हालत गंभीर। वैष्णो देवी हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, घायलों को 2 लाख देने की भी घोषणा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के केस कल के मुकाबले संक्रमण में 35.9% इजाफा। फरवरी से बिना दोनों डोज घर से निकलने पर पाबंदी, कम सैंपलिंग पर गहलोत ने जयपुर सीएमएचओ को फटकारा। देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 60 प्लस उम्र के 69 और 45 से 59 एज ग्रुप के 73% लोगों को दोनों डोज लगाए गए। पूरे साल क्रिकेट की भरमार, 100 दिनों एक्शन में रहेगी टीम इंडिया, पाकिस्तान से 3 भिड़ंत, आईपीएल के 74 मैच बढ़ाएंगे रोमांच। आज से बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 से 18 उम्र वाले कोविन ऐप या ऑनलाइन साइट स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे, 10वीं का आईडी कार्ड भी मान्य होगा। तो वहीं चीनी कंपनियों पर आयकर विभाग का छापा, शाओमी और ओप्पो ने किया टैक्स कानून का उल्लंघन, लग सकता है 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना। सलमान खान, डेजी शाह एक बार फिर साथ नजर आएंगे नो एंट्री के सीक्वल में, 9 एक्ट्रेस होंगी फाइनलाइज। टीवी इंडस्ट्री में ओमिक्रॉन की एंट्री, खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर अर्जुन नए वेरिएंट से संक्रमित हुए। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।